ऑयल से लेकर टेलीकॉम कॉन्ग्लोमरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के हाथ एक और बड़ी उपलब्धि लगी है। साल 2023 के खत्म होते होते अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी ने इतिहास रच दिया है। रिलायंस प्लास्टिक कचरे को रासायनिक रूप से रिसाइकिल करके नए प्लास्टिक के लिए हाई क्वालिटी वाली सामग्री बनाने वाली देश की पहली कंपनी बन गई है। क्या है पूरी खबर और इससे क्या होगा फायदा, जाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तन्वी सिन्हा और आप देख रहे हैं बिस्तक। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड प्लास्टिक वेस्ट को केमिकली रिसाइकिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। दरअसल RIL ने एक बयान में कहा कि इस प्रक्रिया में नए प्लास्टिक के लिए प्लास्टिक कचरे से उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री तैयार की जाएगी। RIL ने प्लास्टिक वेस्ट बेस्ड पायरोलिसिस ऑयल को केमिकली इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी एंड कार्बन सर्टिफिकेशन यानी कि ISCC+ सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर्स में रिसाइकिल किया है। बता दें, केमिकल रिसाइकिल के कई फायदे हैं, जिसमें प्लास्टिक कचरे को नए प्लास्टिक के लिए हाई क्वालिटी वाली सामग्री में बदलना भी शामिल है। इन सामग्रियों का इस्तेमाल फूड पैकेजिंग के लिए किया जा सकता है। रिलायंस ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो कि विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक कचरों को पायरोलिसिस तेल में बदल देती है। कंपनी इस तेल का उत्पादन बढ़ाने और इसे सर्कुलर पॉलीमर में बदलने के लिए भरोसेमंद भागीदारों के साथ काम कर रही है। रिलायंस ने ISCC+ सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर्स के पहले बैच को सिरकू रेपोल यानी कि पॉलीप्रोपिलीन और सिरकू रेलीन यानी कि पॉलीथाइलीन नाम से शिप किया है। RIL ने इस काम के जरिए भारत में प्लास्टिक कचरे को कम करने और एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अपनी सहभागिता दिखाई है। दरअसल आज के समय में हमें प्लास्टिक को वेस्ट मटेरियल के रूप में नहीं बल्कि एक रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में सोचने की जरूरत है। रिलायंस का लक्ष्य 2030 तक अपनी सभी सस्टेनेबल सोर्स के माध्यम से 1 मिलियन टन की कुल क्षमता तक पहुंचने का है। गुजरात में इसकी जामनगर रिफाइनरी अब ISCC+ सर्टिफाइड सर्कुलर पॉलीमर्स पॉलीप्रोपिलीन और पॉलीथीन का उत्पादन करने के लिए रासायनिक रूप से रिसाइकिल पायरोलिसिस तेल का प्रोसेसिंग कर रही है। सर्कुलर इकोनॉमी क्या है, चलिए वो भी समझ लेते हैं। दरअसल ये सर्कुलर इकोनॉमी में एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था पर काम किया जाता है जो टिकाऊ तो हो ही साथ ही साथ इनोवेशन से भरा हो। इसमें हम अपने मौजूदा संसाधनों का उपयोग नए तरीके से कर सके। इस पहल से इकोनॉमी में गति आती है। ये इकोनॉमी ऐसी व्यवस्था पर काम करती है जिसमें एक बार इस्तेमाल करो और फेंको का मॉडल काम नहीं करता, बल्कि एक बार इस्तेमाल हुए संसाधनों को नए तरीके से फिर से उपयोग में लाया जाता है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्ट में बड़े लेवल पर ऐसा काम हो जिसके बाद उसमें काफी सारा कचरा निकलता हो, तो अमूमन है देखा जाता है कि कचरे को वेस्ट समझकर फेंक दिया जाता है, लेकिन सर्कुलर इकोनॉमी में उसी कचरे को रिसाइकिल करके उसे फिर से किसी प्रोजेक्ट में इनोवेशन करके उपयोग में लाया जाता है। सर्कुलर इकोनॉमी में वेस्ट मटेरियल को कम किया जाता है और संसाधनों को संरक्षित किया जाता है। इससे पॉल्यूशन कम होता है और कंपनियों का पैसा भी बचता है। बता दें, रिलायंस भारत की लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर कंपनी है और इसका कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 9,74,864 करोड़ रुपए है। वहीं कैश प्रॉफिट की अगर बात करें तो ये 1,25,951 करोड़ रुपए है और नेट प्रॉफिट 73,670 करोड़ रुपए है। ये आंकड़ा मार्च 31, 2023 का है। रिलायंस के एक्टिविटीज की बात करें तो ये हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन से लेकर प्रोडक्शन, पेट्रोकेमिकल रिफाइनिंग और मार्केटिंग, पेट्रोकेमिकल्स, एडवांस मटेरियल्स एंड कॉम्पोजिट्स, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे कि सोलर और हाइड्रोजन, रिटेल और डिजिटल सर्विसेज में फैला हुआ है। उम्मीद है आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लेकर आपका क्या कुछ कहना है हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं।